तो है ही ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जुड़ेंगे तब नहीं, सुनाऊंगी। जब मुझे दिखेगा ना इस पे लोग जुड़ गए हैं, तब इनको आज बात सुनाते हैं। आ गए अब लाइव। आ गए? अच्छा, दिख गया। हाँ। तुम्हारे आने के बाद मैं बाहर आ गया हूँ। चीज बचपन टाइम, थोड़ी थोड़ी देर में टेंग टेंग मा, नई नई चीजें याद आ जाती हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए अब आज कुछ बचपन की यादें ताजा करते हैं, अच्छी वाली, मस्ती वाली, जो मैं बहुत बचपन में मैं जब बहुत मस्ती करती थी। मेरी मेरी माँ भी थी तब, जीवित थी और मैं बहुत ज्यादा शैतान थी बचपन में। मतलब लाडली लाडली थी ना, लाडली लाडली। बच्चा, लाडला बच्चा होता है तो बहुत ज्यादा शैतानी भी करता है। तो मैं बचपन में बहुत ज्यादा शैतान थी, मतलब हुड़दंग मचाने वाला बच्चा। तो आपको दो इंसिडेंट सुनाती हूँ, एक आपकी कहीं ना कहीं जो हमारे सेम दौर के हैं, हमारे समकालीन हैं, जो हमारे एज ग्रुप के हैं, तो डेफिनेटली वो भी उसी दौर से गुजरे हैं जिससे जिस। हम गुजरे हैं, स्पेशली जो गांव में रहे हैं वो। और तो मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स आज हम बता रही हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये जब से आयुषी आई है हम लोग यही सब डिस्कस कर कर के के बहुत हंसते हैं, नहीं तो हमें हंसने का मौका मेरा कम होता है। मैं हंसती कम हूँ और गंभीरता ज्यादा ये रहती है हावी। लेकिन मेरा बचपन क्योंकि छिन गया था बचपन में। छिन गया था या छीन लिया गया था, तो वो बचपन ना मेरा कभी कभी निकल आता है पेड़ों को देख के। अचानक कोई नया पेड़ देख लो। जब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं मनाली आ रही थी, रास्ते में जब मैं पहाड़ों को देख रही थी, तो मुझे अलवर याद आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलवर में हम अपने पिताजी के साथ पहाड़ों पर चढ़ जाया करते थे। वो लेकर अक्सर जाया करते थे पहाड़ों पर, तो उनके साथ की बड़ी यादें हैं पहाड़ों की जुड़ी हुई। और मेरी बचपन से ड्रीम था ही। मेरी आवाज नहीं आ रही सुनिए, है? हेडफोन है। अरे ये बड़ा पंगे वाला काम है भाई, इस फोन में ना, ये फोन चेंज करूंगी मैं। अब देखिएगा आती है क्या। आपको आवाज है? तो मुझे लगा कि जो स्टोरीज का मैंने आपसे कहा था ना, हम स्टोरीज शेयर करेंगे, मुझे लगा मैं आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको आवाज आ रही है हेडफोन्स लगाने के बाद? हेडफोन्स के बिना भी आ रही है। सलीम खान यूसुफ जी, तेरा नाम तो बोला नहीं जा रहा, क्या शो करें बेटा तेरे को? ताकत है बेटा, जरा लिख के दिखा क्या क्या तेरे को देखना है। तेरे को हम दिखाते हैं बराबर, तू जहां भी होगा वहीं तेरे को दिखाएंगे। बदनाम कौम, बेशर्मी की हद होती है। जूते खाने आ ही जाते हो तुम लोग, मतलब तुम्हारे चैन नहीं है। ऐसा शो करने वाले हैं ना तुम लोगों को, तो हम लोग अभी मिलके ऐसा शो करेंगे कि तुम्हारी आगे की पुश्तें आएंगी ना, आगे पिछली सात पुश्तें और आगे की पीढ़ियां साथ तुम्हारी साला भूल नहीं पाएंगी। ऐसा शो करेंगे तांडव तुमको हम। समझ में आ गया? ना तो तुम जैसों का पाला राजपूतों से पड़ा है, क्षत्रियों से पड़ा है, ना ही तुम्हारा पाला मराठों से पड़ा है। पाला ऐसा तुम्हारा दिखाएंगे। तू रुक, खैर आवाज आ रही है? जी मैं गुस्सा, रोहन मैं गुस्सा नहीं कर रही, गुस्सा नहीं कर रही हूं, लेकिन ये जो इस तरह के जो आपाती तत्व है ना, इनको तो तोड़ने का मन करता है, मन करता है तोड़ा ताड़ी कर दे इनकी तो हम। खैर जाने दो, अभी अच्छी बात करने के लिए आए हैं, अच्छी बात करते हैं। तो बचपन में मैं बहुत ज्यादा शैतान थी, ये मैं बात कर रही हूँ जब मेरी माता जी थी, और शायद हमारे यहाँ पे रिक्शा लेने आता था वो, जो आपको भी याद होगा आपके यहाँ पे एक रिक्शा आया करता था, तो उसमें एक सीट होती थी
वो रिक्शे वाला और एक फट्टी लगा देता था, पीछे भी एक फट्टी लगी रहती थी। तो ऐसे करके कितने मतलब छोटे 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 कितने बच्चे उसमें लद जाते थे, उनमें से मैं भी एक थी। तो कभी सीट पे तो कभी बैठने का मौका ही नहीं मिलता था, हम तो छोटे थे, तो उस पे तो सीनियर, तीन सीनियर उस पे बैठा करते थे। तो तीन पीछे बच्चे पीछे के फट्टे पे, पांच छह बच्चे आगे के फट्टे पे, और पीछे खड़े होके भी रिक्शे में जाते थे, और आगे की जो उसकी जो होती थी ना रिक्शा की डंडी, उस पे भी दो बच्चे बिठा लेता था। सोचो लदा हुआ रिक्शा जाता था सुबह बचपन में छोड़ने के लिए स्कूल, तो उसमें हम भी लदे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं, मेरी छोटी बहन जो है, अब तो बहुत बड़ी हो गई, छोटी बहन जो है उसने बेचारी ने बनियान और बूमर पहना हुआ था, मैं उसी में उसको अपने साथ स्कूल लेके चली गई कि आज मेरी बहन को भी मैं स्कूल लेके जाती हूँ। और इधर से पूरा मोहल्ला परेशान, मैं उसको लेके चली गई वहां जाकर के, मेरे साथ बैठी है बेचारी की, एक चोटी खुली हुई है, एक तरफ बाल फैले हुए हैं, एक चोटी बनी हुई है, और बूमर और बनियान पहन रखा है उसने। वो तो बड़ी खुश है, लेकिन उधर मेरे पिताजी और मेरी माताजी भयंकर परेशान कि छोटी बेटी कहाँ गई, ढूंढ ढूंढ के, ढूंढ ढूंढ के परेशान। रिक्शे वाले का नाम था प्रभात, वो प्रभात रिक्शा वाला आता था हमारे यहाँ पे। उसका नाम इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक हमें स्कूल छोड़ता रहा, और मम्मी के स्कूल के बच्चे भी वही लेके आया जाया करता था, तो इसके लिए उसका नाम याद है। तो अब स्कीम 10 से और हैप्पी स्कूल हम जाते थे, बड़ा लंबा रास्ता होता था, बड़ा बड़ा आनंद आता था। कंपनी बाग से ले जाता था घुमाते घुमाते वो रिक्शा वाला हमको। तो मेरी बहन मेरे साथ में स्कूल में है, मेरे माता पिता घर में परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है। पता नहीं किसी ने बोला शायद कि नागपाल जी आपकी बेटी को जो है, वो छोटी बेटी को शायद हमने रिक्शे में जाते हुए देखा है, आप एक बार स्कूल में पता कर लो जाके। तो पिताजी आए साइकिल पे स्कूल पहुंचे, जैसे वो मैं इसके लिए क्योंकि मैं बहुत अभी हंसी हूँ इस चीज के ऊपर कि मैंने कैसे कैसे हम लोग बचपन में हरकतें किया करते हैं अनजाने में। तो पिताजी, मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं डांटते थे, कभी नहीं डांटते थे, और वो हमेशा जो है बड़े प्यार से समझाते थे। मेरी माँ थी स्ट्रिक्ट, रूलर लेके ही बैठती थी वो, तो प्रिंसिपल थी, बड़ी पढ़ती थी उनसे मुझे। तो मुझे हमेशा पिताजी प्यारे लगते थे क्योंकि पिताजी से मैं हमेशा वो बचाते रहते थे, मैं शैतान बहुत थी तो पिताजी हमेशा सपोर्ट करते थे। तो पिताजी आए तो पहली बार मैंने पिताजी, मतलब एक दो गुस्सों जो पूरे जीवन में उन्होंने मुझे किए हैं उनमें से एक वो, उस दिन पहली बार उनका रुद्र रूप देखा था मैंने। तो वो आए और जब देखा कि वो छोटी वाली बहन कन्नू मेरे साथ है, तो मतलब उन्होंने जो मुझे लुक दिया उसी से मैं इतनी घबरा गई कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी, नहीं तो आज मेरे बहुत पढ़ने वाली है। आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं इतनी घबरा गई कि मैंने सोच लिया आज तो मैं घर जाने वाली ही नहीं हूं, मैं कंपनी बाग में जाके बैठ जाऊंगी, घर नहीं जाऊंगी। शो बॉडी, तू मेरे सामने आ हराम के जने, सुअर की औलाद, सुअर खाने वाले, मल खाने वाले, मलेच्छ, तेरे को बॉडी ऐसी दिखाएंगे ना हम, तू आ तो सही सामने, अगर तेरे को तोड़ के नहीं धर दिया, गिफ्ट नहीं भेज दिया तेरे घर में तुझे, तो उसके बाद में मेरी बहन को तो वो रिक्शा पे, उन्होंने क्या है साइकिल पे पीछे बिटिया, वो मेरी बहन छोटी बहन को बिठाया और वो निकले। उन्हें एक तो वो पहले से मेरे से नाराज थे, उस नाराजगी का एक और बड़ा काम कर दिया किसी और चीज ने, वो जिस रास्ते से जा रहे थे मेरी बहन रास्ते में गिर गई साइकिल से, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी थी वो, मतलब मैं ही बहुत छोटी थी, तो वो तो 3-4 साल की थी जब मैं उसको ले गई थी स्कूल में अपने साथ। तो वो जो बच्ची है मेरी बहन नीचे गिर गई साइकिल से पीछे, और पापा को पता नहीं चला, पीछे से वो हाथ ठेला आ रहा था, उसको भी वो बच्ची दिखाई नहीं, छोटी सी थी वो दिखी नहीं। किसी ने जोर से चिल्लाया नागपाल जी आपकी छोटी बेटी नीचे गिर गई है वो देखो, उस ठेले वाले ने एकदम अपने आप को रोका नहीं तो उस दिन वो ठेला उसके ऊपर चढ़ जाता। इससे मेरे पापा का दिमाग जो है इतना गुस्से में आया कि उन्होंने स्कूल वापस गए और बोले चल तू घर चला जा। मैं तो पहले से ही सोच रही थी मैं घर नहीं जाऊंगी, लेकिन जैसे ही पापा ने बोला आज तू घर चल, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं अभी भी आज याद करती हूँ ना तो मुझे अभी भी घबराहट होती कि मेरी उस समय कितनी बुरी हालत हुई थी। मैं पापा के साथ, मैं रिक्शे में बैठी हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ आज घर नहीं आना चाहिए भगवान, आज घर नहीं आना चाहिए।
आज तू घर को गायब कर दे भगवान, आज घर नहीं आना चाहिए। हम लोग पापा आगे आगे गुस्से में बैठे हैं कि घर पहुंचे और मैं इसकी आज ना धुलाई करूं, और मैं कह रही भगवान आज घर मत आना, आज घर नहीं आने, आज घर मत आओ, घर है ही नहीं। खैर हम लोग घर पहुंच ही गए, मेरी माँ स्कूल, मेरी माँ क्लास ले रही थी, उतने गुस्से में तो वो भी पिताजी के सामने नहीं आती थी कभी भी। मैं मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरी माँ बोल रही अब तूने किया है तो भुगत, मैं तो नहीं आने वाली, तो तेरे साथ मुझे भी पड़ेगी। मम्मी तो स्कूल में चली गई, और इधर पिताजी ने दो थप्पड़ कस के लगाए पहले तो मुझे, फिर हाथ में लेकर ठा करके रूलर मारा, मेरे डर के मारे सूसू निकल गए। इतना मुझे घबराहट हो गई, क्योंकि पापा का मैंने ऐसा रुद्र रूप कभी देखा नहीं था। मेरे पापा बहुत पॉजिटिव इंसान रहे हैं, और हमेशा से वो इनकरेज करते रहे हैं, हमेशा सिखाते रहे हैं, उनकी फिलॉसफी लाइफ को लेके बिल्कुल अलग रही है, बहुत सपोर्टिव रहे। उस दिन उनका वो रुद्र रूप देख के 3 दिन मुझे बुखार चढ़ गया, डर के मारे मैं स्कूल ही नहीं गई कि मुझे जाना ही नहीं है अब तो स्कूल। हे भगवान, ये एक इंसिडेंट था। लेकिन बाद में पापा ने, क्योंकि मुझे फीवर आ गया, पापा मेरी सेवा भी उन्होंने बहुत किया, और मेरी माँ ने, माँ तो बहुत गुस्से में रहती थी, डबल डोज मिलती थी मुझे। अगर किसी दिन पापा गुस्सा है और माता जी गुस्सा है तो डबल डोज होती थी मेरे लिए, जो पापा को वंस इन अ ब्लू मून होता था, कभी बहुत बड़ी कोई मिस्टेक ऐसी हो जाए तो। फिर पापा ने मुझे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, और उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो मैं पापा से बहुत प्यार करती थी अपने, क्योंकि वो मुझे बहुत फिलोसफिकली समझाते थे और हर चीज में अपने साथ लेके जाते थे, संगीत सिखाते थे, बिठाते थे अपने साथ में। मम्मी मेरे रैंक के पीछे लगी रहती थी। एक दिन बड़ी खुश हो गई, मैं सेकंड या थर्ड की बात है ये मेरी, हैप्पी स्कूल की बात है, मेरा क्लास में 5th रैंक आया। मैं कॉन्वेंट से मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में डाला गया, तो मैं 5th रैंक, फिर भी 5th रैंक लेके आई। जब क्लास में पता चला 5th रैंक आया, मैं तो बड़ी नाचते नाचते रिक्शे में बैठ गई कि मेरे तो 5th रैंक आया, मम्मी को जाके बताऊंगी 5th रैंक आया। मैं ना वो नाचते नाचते अपने बैग को नाचाती हुई घर पहुंची, माँ को दूर से चिल्ला रही, मम्मी मेरा 5th रैंक आया, मम्मी मेरा 5th रैंक आया, पूरे मोहल्ले को सुना दिया मैंने। मेरी माँ जैसे ही मैं नीचे उतरी, थाड़ करके एक थप्पड़ मार, वो प्रिंसिपल थी, उनका ध्यान हमेशा ग्रेड्स में अटका रहता था, उनका ध्यान हमेशा ये होता था फर्स्ट आना चाहिए, 5th तो 5th था ये, पूरे मोहल्ले को सुनाया ही, मेरी नाक नीचे कर दी तूने। मैं निकारे, मैं 5th रैंक आई हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं, मैं तो बड़ी खुश होकर आई हूँ घर पे, मुझे 5th रैंक आया, क्लास में 5th रैंक आया। ओ मैं मतलब जहां मैं उम्मीद करती थी वहां से थप्पड़ पड़ जाता था, पिताजी से मैं ज्यादा ये करती नहीं थी, वहां वो मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी, माँ से मेरे तो रूलर बहुत पड़े हैं मुझे, मैं उद्दंड थी बहुत बचपन में। तो मुझे जब थप्पड़ पड़ा, वो 5th रैंक का मतलब समझ में आया कि 5th रैंक कुछ नहीं होता, इट्स यूजलेस, आना है तो फर्स्ट आओ, नहीं तो कुछ भी मत आओ, इट वॉज लाइक दैट। तो मेरी माँ ने मेरे से बात नहीं की, क्यों, मैंने पूरे मोहल्ले को सुना दिया कि मेरा 5th रैंक आया, 5th रैंक आया। खैर फिर उसके बाद में एक और घटना सुनाती हूँ। मम्मी की डेथ हो गई जब, तो मैं 2 महीने स्कूल नहीं जा पाई, जब तक मम्मी थी मेरा रैंक्स अच्छे आते थे, पढ़ाई बहुत, क्योंकि मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, पापा लीनियंट थे, बेटियां हैं शायद, और वो बेटियों से प्यार बहुत करते थे। मेरे पापा मुझे बताते थे और कि जब मैं पैदा हुई थी, लड़की मैं पैदा हुई थी, तो हमारे घर में जलसा मनाया गया था, बहुत बड़ा ये किया गया था, मतलब बहुत बड़ा त्योहार जैसा मनाया गया था जब मैं पैदा हुई थी, तो मुझे मुझे बड़ा आनंद होता है कि अरे वाह, लड़की थी, लड़की पैदा हुई तो इतना बड़ा मेरे पापा ने ये किया। ही वॉज वेरी प्राउड, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड ही ऑलवेज ट्रस्टेड मी। वो हमेशा ये कहते थे अपनी गलतियों से सीखो, तुम गिरोगे तो खुद ही खड़े होकर के तुम्हें चलना सीखना होगा, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा। 6th में 2 महीने मैं स्कूल नहीं जा पाई, क्योंकि 6th में थी जब मम्मी गुजर गई, और जब स्कूल जाती थी तो मुझे उस बारे में बच्चे बात करते थे तो मेरा ध्यान हट जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था। तो 6th में मेरी मैथ्स में केटी लग गई, जिसे हम राजस्थान में सप्लीमेंट्री बोलते हैं, मतलब कम नंबर आना जिसके लिए आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, तो मेरी सप्लीमेंट्री लग गई। अच्छा, ये खबर पिताजी के एक स्टूडेंट थे सुदेश सक्सेना,
सबसे पहले स्टूडेंट जो पापा के थे, जो गंडाबंद शागिर्द थे सुदेश सक्सेना, अब तो वो भी नहीं रहे, वो घर पे लेके आए, क्योंकि पापा ऐसा कुछ होता था तो उस पापा के उनके शिष्य ही सब इस तरह के काम किया करते थे। तो उस समय मैं बाथरूम में थी, सुदेश भैया रिजल्ट लेके आए, पापा को बोलते हैं नीनू की, मेरा घर का नाम नीनू की, तो सप्लीमेंट्री आई है मैथ्स में। ये सुन के तो मैं, मतलब जैसे ना मेरा हार्ट निकल के बाहर ये हो गया, तो मैं बाहर ही नहीं आई, बाथरूम से बाहर ही नहीं आई 2 घंटे तक। फिर पापा ने पता नहीं क्या धीरे धीरे भैया को कुछ बस समझाया होगा, अरे बोले सुदेश तू देख तो सही, ये सप्लीमेंट्री नहीं है, वो बस पास हुई है, मतलब उसके अच्छा नंबर नहीं आए, वो बस पास हुई है, बहुत कम नंबरों से मैथ्स में पास हुई है। सुदेश भैया बोले हाँ हाँ सर, मुझे, मैंने ध्यान से देखा नहीं, सॉरी, जब मैंने बाथरूम में से ये सुना तब मैं धीरे धीरे बाहर आई। जब मैं बाहर आई, पापा ने कोई जिक्र नहीं किया इस बारे में कि तुम्हारी सप्लीमेंट्री आई है नहीं आई, रिजल्ट ही छुपा के रख दिया उन्होंने। और मैंने उनको पूछा, पापा सब डैडी सप्लीमेंट्री नहीं आई ना, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा सप्लीमेंट्री नहीं आई, तो पास है। 2 दिन वो खूब अच्छे से मुझे घुमाते रहे, घुमाने ले गए। पहली बार थिएटर गई पापा के साथ, उसी समय जंजीर पिक्चर दिखाई, हमारे अशोका थिएटर था, पता नहीं कोई तो थिएटर था जो तोड़ दिया है अभी अलवर में। वहां पे पापा मुझे जंजीर पिक्चर दिखा के लाया, मैं और मेरी छोटी सिस्टर बड़े खुश। खूब अच्छा जब देखा उन्होंने इनका, 2-3 दिन बाद मेरा ये सब ठीक हो गया, मूड ठीक है अब मैं, तब उन्होंने मेरे से बात करना शुरू किया। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला तेरी सप्लीमेंट्री आई, उन्होंने मेरे से सिर्फ बात करना शुरू किया। वो खुरपी चलाते रहते थे, उनका छोटा सा गार्डन बना रखा था, उसमें खुरपी चलाते रहते थे और अपना मेरे से बात करते रहे। वो पौधे के साथ बात कर रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उसके पौधे के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि पौधा सूख भी जाता है, उसमें पानी डाल दो तो फिर हरा हो जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन है। ऐसे करते 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 लास्ट में वो मेरे टॉपिक पर आए और उन्होंने बोला बेटा अगर मेरी भी, तेरे को पता है मेरी सप्लीमेंट्री में तो फेल ही हो गया था, हालांकि वो कभी फेल नहीं हुए, बट उन्होंने मुझे उस समय ये कहा, कहते हैं बेटा मैं तो फेल ही हो गया था, मैं तो घर ही नहीं जा रहा था पिताजी के डर से। पिताजी हम अपने दादाजी को कहा करते थे, तो बोले पिताजी के डर से तो मैं घर ही नहीं जा रहा था, माती मेरे को प्यार से ले आए, मैं तो जा ही नहीं रहा था बेटा, मैं तो फेल हो गया था, पर मेरे को पिताजी ने कुछ कहा नहीं। और वो मेरे को समझाया कि फेल होने से, फेल हो गए तो क्या हुआ, अगले साल फिर से एग्जाम देना। तो मैंने कहा अच्छा फेल हो गए थे, जब मुझे पता चला मेरे डैडी भी फेल हो चुके हैं, जबकि वो बेचारे कभी फेल नहीं हुए थे, मुझे समझाने की, ताकि मैं कन्विंस हो जाऊं। कहते बेटा सप्लीमेंट्री में तो फिर भी चांस होता है, आप जाके एग्जाम दे सकते हो, मैं तो फेल ही हो गया था, मुझे तो पूरा साल वेस्ट हो गया। मैंने कहा अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा होता है। मेरे पापा बोले हाँ बेटा ऐसा होता है। फिर ऐसा करके उन्होंने बातों को अच्छे से समझाया, फिर मुझे समझ में आया, बोले बेटा 1-2 नंबर से ही तो कम है, तू तो बहुत अच्छे से एग्जाम देगी और मैं तेरी तैयारी करवाता हूँ। फिर जाके मैं कन्विंस हुई, मुझे घबराहट नहीं हुई और उन्होंने मेरी तैयारी करवाई, तब जाके फिर से एग्जाम दिया, तब जाके मैं पास हुई। ये जो है मेरे जीवन की कुछ ऐसे वो हैं जो मैं जिनसे मुझे, मैं याद करती हूँ तो मेरे पिताजी का मुझे बिहेवियर, अपने माता पिता का बिहेवियर अपने बच्चों की तरफ कैसा होना चाहिए ये समझ में आता है, हमें उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए, हमें उनके साथ व्यवहार कैसा रखना चाहिए कि हम उन पे ट्रस्ट डेवलप हो। मेरी, इसीलिए मेरे पिताजी पे मेरा विश्वास बहुत ज्यादा था, उनसे मैं ज्यादा कनेक्ट फील करती थी, क्योंकि कुछ भी होता था परेशानी या कुछ भी कुछ भी, मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने पिताजी के साथ पूरी तरह से डिस्कस कर पाती थी, क्योंकि वो बहुत फिलोसफिकली मुझे लाइफ को समझाते थे, आर्टिस्ट थे, संगीत से जुड़े हुए थे। माँ एक जन का स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, अगर मेरी माँ स्ट्रिक्ट नहीं होती तो मैं भी आज शायद जीवन में, क्योंकि माता पिता दोनों से ही हमें कुछ ना कुछ मिलता है, मेरे पिताजी से मुझे जीवन में विश्वास करना मैंने सीखा और जीवन को एक नए नजरिए से जीना सीखा, और माताजी से मैंने कहीं पर स्ट्रिक्टनेस भी सीखी और लॉयल्टी किसको कहते हैं वो मैंने अपनी माताजी से सीखा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं। तो मुझे बस ये कहना है कि हमें अपने बच्चों को, बच्चों के ऊपर इस तरह से उनके साथ बिहेवियर होना चाहिए हमारा कि हम उनके मित्र की तरह रहें, ना कि माता पिता, क्योंकि माता पिता का जब भाव आ जाता है ना तो हम रूलिंग हो जाते हैं, कि हम कंट्रोलिंग हो जाते हैं, हमें कंट्रोलिंग नहीं होता है। एक तो आज की जनरेशन भी वैसी नहीं है,
और दूसरा ये जनरेशन कभी भी वैसे नहीं थी। हम जितना अपने बच्चों के प्रति मित्रता का भाव रखेंगे उतना ज्यादा वो हम पर ट्रस्ट कर पाएंगे। जितना ज्यादा वो हम पे ट्रस्ट करेंगे, हमें उनकी हर चीज के बारे में वो डिस्कस करेंगे, उतना हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में मुड़ रहे हैं। तो ये मेरा आपको ये सुनाने का भाव था, क्योंकि ये मेरे जीवन की रियलिटी है, ये मेरे जीवन में मैंने खुद देखा है, ये मैंने अपने जीवन में, मेरे जीवन की कहानी है। तो मैंने आपको इसके लिए सुनाया क्योंकि मैं आयुषी के साथ डिस्कस कर रही थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी कि मैं, मतलब मैं कितनी शैतान रही हूँ। मेरी माँ मुझे, मतलब 4 घंटे पढ़ाने का उनका ये था और वो डंडा लेके बैठ जाती थी, पढ़ाना ही है तुमको, 4 घंटे वो छोड़ती नहीं थी। और मैं उनसे बचने के लिए ना, वो टाइम से 1 घंटा पहले ही घर से बाहर भाग जाती थी खेलने के बहाने से, और माँ मेरी बोलती थी आ जाना टाइम पे, हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगी। मैं एक घना, एक हमारे वहां पे नीम का पेड़ था, मैं उस पर जाके चढ़ के बैठ जाती थी, नीचे ही नहीं उतरती थी। फिर मेरी माँ ना किसी को, 3 4 बच्चों को लगाती थी, जाओ लेकर आओ, किसी पेड़ पे चढ़ी बैठी होगी। तो ये हमने, हमारा बचपन थोड़ा अलग रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ही थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, आप कभी अपने बच्चों को सुना सकते हैं, या फिर इससे अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने बच्चों को भी, इस तरह का बिहेवियर आपका रहेगा तो मुझे लगता है वो आपके अच्छे अच्छे मित्र बनेंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। कई बार बच्चे छोड़कर निकल जाते हैं क्योंकि हम हमसे तंग आ जाते हैं, माता पिता से तंग आ जाते हैं। तो हमें बच्चों का बिहेवियर के साथ में अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ता है ताकि वो हमें ट्रस्ट कर सके। तो बेसिकली यही मेरा अर्थ था ये आज का वीडियो आपको सुनाने का, जो मैंने कहा था मैं कहानी बीच बीच में सुनाती रहूंगी। तो ये तो रियलिटी है मेरे जीवन की, और ऐसे कुछ कभी दृष्टांत मेरे जीवन के मुझे याद आएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, गलत करिए मत, गलत बर्दाश्त में मत करिए। हर हर महादेव, जय भवानी, जय भारत। और ये जो बोल रहा है ना अभी यहाँ पे, इसके जरा छितर उड़ाने हैं आज मुझे।